कुछ तो मुझ में कमी थी, कुछ थी तेरी खामियां। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक चैनल। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि डेली मैं अपने चैनल पे न्यू ट्रेंडिंग वीडियोस का ट्यूटोरियल लाता रहता हूं दोस्तों, तो ऐसे ही एक वीडियो का ट्यूटोरियल आज मैं लेके आ गया हूं आप सब लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने इंट्रो में भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पर देखा होगा एक वीडियो, तो मैं उसी वीडियो को बताऊंगा कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप इसको बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक यार आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन इसी का लिंक दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसको डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है हमको और यहाँ से 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ बैकग्राउंड में जाएंगे और एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक कलर का। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका जो लेंथ है वीडियो का कुछ इतना बढ़ा लेंगे जितना बड़ा हमको वीडियो क्रिएट करना है, ठीक है दोस्तों। जितना बड़ा वीडियो क्रिएट करना है उतना बड़ा आप लेंथ इसका कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद स्टार्टिंग पोजिशन में आएंगे और लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे, एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, तो ये रहा मेरा वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये जलने वाला वीडियो है, तो इसको हम लोग कर लेंगे फुल स्क्रीन। यहाँ से कैंची के बगल में एक ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन का, इस पर टाइप करेंगे और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देंगे कुछ ऐसे। इतना करने के बाद दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे में आएंगे क्रोमा की में, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए ऊपर में है थर्ड नंबर पर क्रोमा की, इस पर क्लिक करेंगे और इसको अनेबल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसका की कलर रखेंगे ब्लैक, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसका की कलर रख लेना है ब्लैक और इसको जो है यहाँ पे इसको जो नीचे वाला लाइन है इसको एकदम जीरो कर देना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले को भी 100 कर देना है आपको, ठीक है दोस्तों। इस तरह आपको कर देना है और राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों लेयर पे टाइप करना है और मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है जिस फोटो पे आप अपना वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ कोई भी, तो यहाँ से मैंने एक भाई की फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, तो आप कोई भी अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ़ोटो को ऐड कर लिया दोस्तों और यहाँ कैंची के बगल में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पर टाइप करना है, इसको फुल स्क्रीन कर लेना कुछ ऐसे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है और एडजस्टमेंट इसकी थोड़ी सी कर लेना है आपको फ़ोटो की। यहाँ सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ ऐसे और यहाँ पे कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इधर आ जाएंगे, थ्री डॉट देख लीजिए लेफ्ट साइड में, इस पर टैप करना और इसको सेंड टू बैक कर देना है फोटो को, देख लीजिए कुछ ऐसे। सेंड टू बैक करने के बाद दोस्तों राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका लेंथ वीडियो के लास्ट तक कुछ ऐसे कर देंगे दोस्तों। इतना करने के बाद स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाएंगे। इधर आने के बाद दोस्तों देख लीजिए कुछ ऐसा दिखेगा प्ले करने पर, तो देख लीजिए कुछ ऐसा दिखेगा हमारा वीडियो। तो यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पोजिशन में आना है और ये जलने वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा आपको कर लेना है, हाई इसको कुछ ऐसे कर लेना है और थोड़ा सा इसको भी कर लेना है, लगभग 6-7-8 कुछ ऐसे कर लेना है आपको। राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। इतना करने के बाद हम लोग लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से एक वीडियो को ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इफेक्ट वाला वीडियो ऐड कर लेंगे ये वाला। उससे पहले एक लिरिक्स वाले वीडियो को ऐड कर लेते हैं जिसमें सॉन्ग भी ऐड है हमारा, तो यहाँ से मैं ये वीडियो को ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे की तरफ आऊँगा और इसको यहाँ से कुछ ऐसे जूम कर लेना है और यहाँ पे रख लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रखने के बाद इधर आ जाना है आपको ब्लेंडिंग में, नीचे ब्लेंडिंग में आने के बाद इसको कर देना है स्क्रीन करने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है आपको और यहाँ एडजस्टमेंट इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट हाई कर देना है आपको, सेचुरेशन को हाई करने के बाद दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, थोड़ा सा हाई करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको रख लेना है कुछ ऐसे। यहाँ रखने के बाद थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ रखने के बाद दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे और लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे। यहाँ से एक और पीएनजी को ऐड कर लेंगे हम, बैड बॉय वाली, ठीक है दोस्तों। तो जितना भी मटेरियल दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फोटो का भी मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप इसी फोटो पर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद दोस्तों इसको कुछ ऐसे जूम करना है, इसको रोटेट कर लेना है ऐसे, देख लीजिए। यहाँ पे इसको कुछ ऐसे रोटेट करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे रख लेंगे छोटा करके, थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा और यहाँ पे रख लीजिएगा, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ रखने के बाद इधर आ जाना है, इसका लेंथ वीडियो के लास्ट तक करेंगे और यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा हाई करेंगे सेचुरेशन को और इधर आएंगे और यहाँ ब्लेंडिंग में जाके इसको कर देंगे ओवरले। आप
वैसे भी रहने देंगे नॉर्मल तो भी अच्छा लगेगा, ओवरले कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा। जो आपको पसंद आए दोस्तों वो कर सकते हैं। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेयर पे जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, यहाँ आने के बाद एक वीडियो को ऐड कर लेंगे फायर वाला, ठीक है दोस्तों, जिससे कि इसमें फायर इफेक्ट वाला एकदम लुक लगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कैंची के बगल में एक ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन, इस पर टाइप करना है, इसको फुल स्क्रीन कर लेना कुछ ऐसे, और यहाँ पे बैक आ जाना है आपको, नीचे ब्लेंडिंग में जाकर इसको स्क्रीन कर देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ, इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा हाई कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसे थोड़ा सा हाई कर देना है इसका एडजस्टमेंट, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है, और लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है दोस्तों। एक और फायर इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है अपने सेकंड वाले वीडियो को, ये वाले को, और इसको भी कुछ ऐसे फुल स्क्रीन कर लेना है। यहाँ से फुल स्क्रीन करने के बाद इसको भी आपको जाके ब्लेंडिंग में स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद दोस्तों बैक आना, इसका भी एडजस्टमेंट थोड़ा सा हाई कर देना है आपको कुछ ऐसे। हाई करने के बाद दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से एक बॉर्डर पीएनजी ऐड कर लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं एक बॉर्डर पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ, ये रहा, इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। यहाँ से कैंची के बगल में ऑप्शन है स्प्लिट स्क्रीन पे जाके इसको फुल स्क्रीन करेंगे, और इसका लेंथ जो है वीडियो को लास्ट तक करेंगे कुछ ऐसे। तो हमारा जो वीडियो है दोस्तों कम्प्लीटली बन के तैयार है, इसको आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाते हैं, देख लीजिए किस तरह का हमारा वीडियो बनने के बाद दिखेगा। इसको कुछ ऐसे जूम कर लेंगे और यहाँ पर देख लीजिए हमारा वीडियो जो है, तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है कम्प्लीटली बन के तैयार है, इसको अपनी गैलरी में कर लेंगे एक्सपोर्ट सेव, ठीक है दोस्तों। सेव करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट साइड में एक शेयर का बटन दिख रहा है, इस पर टैप करना है आपको। यहाँ पे टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे, हम HD 720 पिक्सल रख लेंगे इधर, और इधर 30 रख लेंगे। इतना रखने के बाद दोस्तों एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसको स्किप करेंगे, तो जो हमारा वीडियो है दोस्तों गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यार आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक यार आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं इस तरह के न्यू ट्रेंडिंग वीडियो डेली अपने चैनल पर लाता रहता हूँ दोस्तों आप सब लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं यार एक और अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।